दिस इज वजिया बतूनिया फ्रॉम एसएससीटी डिग्री कॉलेज द कोर्स इन चार्ज ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड लेक्चर ऑफ आवर फोर्थ चैप्टर व्हिच इज वर्ल्ड पॉपुलेशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो इस चैप्टर में आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी तो इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सबसे पहली जो टर्म है वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन. वर्ल्ड पॉपुलेशन की जो टर्म है ये बेसिकली क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन होती क्या है. सम टोटल ऑफ ऑल द ह्यूमंस ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ पर हमारी ज़मीन पर जितने भी ह्यूमंस जितने भी इंसान मौजूद हैं वो कहलाएगी कि वो इस वर्ल्ड की इस दुनिया की पॉपुलेशन है. दूसरी टर्म हमारे पास मौजूद है विच इज़ डेमोग्राफी. डेमोग्राफी क्या होती है, पॉपुलेशन में मौजूद बर्ड्स को, जो पॉपुलेशन हमारी है जितनी भी आबादी है उसमें जितनी भी बर्ड्स हो रही हैं जितनी भी डेथ्स हो रही हैं या जितने भी एज स्ट्रक्चर के लोग हैं, यानी कितने हैं जो 4 साल से कम के हैं कितने हैं जो 20 साल से ज़्यादा के हैं, इन सारे पॉपुलेशन की स्टडी को नंबर्स में पढ़ना स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना डेमोग्राफी कहलाता है. उसके बाद जो तीसरी टर्म है दैट इज सेंसिस. सेंसिस क्या होती है, सेंसिंग होती है काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, यानी जितनी भी आबादी दुनिया में मौजूद है उसको काउंट करने को कहते हैं सेंसस. द नेक्स्ट थिंग इज पॉपुलेशन स्टडीज एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, यानी कि जो पॉपुलेशन की स्टडी है उसको करना क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, हमें क्यों ये जो स्टडी है ये करनी चाहिए. तो सबसे पहली जो इसकी इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं पर्टिकुलरली जो लेस डिवेलप्ड कंट्रीज हैं लेस डिवेलप्ड एरियाज हैं दुनिया के, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान हो गया या फिर इंडिया हो गया या फिर अफ्रीका की कंट्रीज़ हो गई बहुत सारी, तो जितनी भी ऐसी लेस डिवेलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ डिवेलपमेंट अभी ज़्यादा नहीं है वहाँ की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हमें डेमोग्राफी की स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है. जो दूसरी चीज़ है वो है प्लानिंग द पॉपुलेशन ऑफ डिवेलप्ड एंड लेस डिवेलप्ड कंट्रीज़. इवन के जो डिवेलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे कि अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, जापान हो गया, इनकी और जो लेस डिवेलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इनकी दोनों की पॉपुलेशन को प्लान करने के लिए कि कहाँ कितने लोग रहेंगे, कितने लोगों को कितना पानी चाहिए, कितनी ग़िज़ा चाहिए, कितने होने चाहिए, पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, उसके क्या असरात हैं, उनकी क्या ज़रूरियात है, इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए. तीसरी चीज़ जिसके लिए पॉपुलेशन की स्टडी इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की उसको कंट्रोल कैसे किया जाए. अनटिल और अनलेस हमें ये नहीं पता होगा कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, उसमें किस एज स्ट्रक्चर के लोग रहते हैं ज़्यादा, मिसाल के तौर पे इटली में 80 अबव 90 अबव पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, पाकिस्तान में यंगस्टर्स की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है. तो जब तक हमें इस डेमोग्राफी के बारे में नहीं पता होगा तो हम उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के, उस पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के तरीके नहीं ढूंढ सकेंगे. तो एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हमें पॉपुलेशन की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है वो है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ. अब अगर हम बात करें पॉइंट बाय पॉइंट वन बाय वन कि हमें पॉपुलेशन की स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, अगर हम इस बारे में बात करें वन बाय वन, तो सबसे पहली जो चीज़ है हेल्थ प्लानिंग, यानी कि सेहत के मामलात को प्लान करने में हमें पॉपुलेशन की स्टडी करना ज़रूरी है. बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ जितनी भी ख़वातीन हैं जितनी भी मैरिड वुमेंस हैं उनकी कंटिन्यूसली न्यूट्रिशनल ड्रेन हो रहा है, यानी कि कंटिन्यूसली उनमें नशोनुमा की उनकी सेहत ख़राब हो रही है. इसकी वजह है रिपीटेड प्रेगनेंसीज, बार बार वुमेंस का प्रेग्नेंट होना उनके अंदर मौजूद जितनी भी नशोनुमा है उसको ख़त्म कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेहत को ख़राब कर रहा है. तो सिंस द डेमोग्राफी स्टडीज फर्टिलिटी एंड कनेक्टेड प्रॉब्लम्स इट्स स्टडी इज मस्ट. चूँकि डेमोग्राफी इसकी जो स्टडी है वो
फर्टिलिटी ग्रोथ से प्रोडक्शन की प्रॉब्लम्स से और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी करती है। तो अगर हमें हेल्थ प्लानिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमें डेमोग्राफी की स्टडी करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद अगली चीज़ है फूड सप्लाई। जितनी भी पॉपुलेशन हमारे पास मौजूद है उसको एडिकेट फूड सप्लाई होना चाहिए। कैसे? क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी, यानी कि जो भी फूड हम सप्लाई कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन को उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए, उसमें क्वांटिटी भी होनी चाहिए। इसीलिए फूड सप्लाई जो है वो रिलेट करती है सीधा सीधा पॉपुलेशन ग्रोथ से, कि कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे पास बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता और हमें उसके लिए कितना फूड चाहिए, कितनी क्वालिटी में चाहिए। ऐसा ना हो कि क्वांटिटी ज़्यादा हो और उस फूड में, उस खाने पीने की चीज़ों में जो सप्लाई हो रहा है उन्हें, उसमें क्वालिटी मौजूद ना हो। तो हमने इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है और इन दोनों चीज़ों को देखने के लिए, इन दोनों चीज़ों को प्लान करने के लिए, इस फूड सप्लाई की चेन का ख्याल रखने के लिए हमें पॉपुलेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन रह रही है, उनका एज स्ट्रक्चर क्या है, किस उम्र के लोग ज़्यादा हैं, किस उम्र के लोग कम हैं, उनको किस क्वांटिटी में और किस क्वालिटी का फूड चाहिए। तो इन सब चीज़ों को प्लान करने के लिए पॉपुलेशन की और डेमोग्राफी की स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आजकल के, खासकर पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मसला है, वन ऑफ देम इज़ एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार के मसाइल। तो रोजगार को प्लान करने के लिए हमें डेमोग्राफी की स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एम्प्लॉयमेंट का बहुत बहुत बड़ा मसला है। अंडर डेवलप्ड या लेस डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इसमें एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज़ हाई डिपेंडेंसी रेशियो। अब हाई डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? हाई डिपेंडेंसी रेशियो मतलब कि हमारे यहाँ जो फैमिलीज हैं, पूरा पूरा खानदान किसी ना किसी एक बंदे पर रोजगार के मामले में, पैसों के मामले में डिपेंड हो रहे होते हैं। यानी कि पूरी फैमिली का कोई एक बंदा कमा रहा होता है और बाकी सब उस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये होता है डिपेंडेंसी रेशो। तो पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक में बहुत ज़्यादा हाई डिपेंडेंसी रेशो है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एक बंदे पे डिपेंड करते हैं। इसी वजह से एम्प्लॉयमेंट की प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पॉपुलेशन की स्टडीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए कि कहाँ कहाँ ज़्यादा जो है वो डिपेंडेंसी रेशियो है, कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन से रीजन्स हैं दुनिया के जहाँ पर डिपेंडेंसी रेशियो बहुत ज़्यादा है, एक ही बंदे पर, एक ही फर्द पर पूरा पूरी जो फैमिली है उनकी वो डिपेंड कर रही है, इसकी वजह क्या है, हम कैसे जो बाकी जो अफराद हैं उनको रोज़गार फराहम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर घर में खवातीन घर में काम कर सकती हैं, उनके घरों के जो बुजुर्ग हजरात हैं वो कोई ऐसा काम कर लेंगे उनकी सेहत पे असर ना पड़े, तो हमने ये सारी चीज़ें प्लान करना ज़रूरी है। इसके लिए हमने क्या है, इसके लिए हमें डेमोग्राफी की स्टडी करना ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है कि किस उम्र के लोग कितने घरों में हैं, उनकी क्या एजेस हैं, उनकी क्या तादाद है। एक घर में अगर 10 लोग हैं तो वो एक बंदे पे डिपेंडेंट है, तो उसकी क्या वजह है, उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जो यंगस्टर्स हमारे अब डिग्रीज लेकर निकल रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं, उनके लिए हमें नई जॉब्स का कैसे इंतज़ाम करना है। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एजुकेशन। एजुकेशन को प्लान करने के लिए हमें डेमोग्राफी को प्लान करना, उसको देखना, उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में मुस्तकिल पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है। पहले 7 बिलियन थी, अब 8 बिलियन हो गई है, ऑलमोस्ट 7.8 बिलियन। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे आबादी दुनिया में बढ़ रही है वैसे वैसे बच्चों की तादाद मुस्तकिल बढ़ रही है। आबादी कैसे बढ़ रही है? नए बच्चे जैसे जैसे पैदा हो रहे हैं, जैसे जैसे वो ग्रो हो रहे हैं, उनको एजुकेशन की ज़रूरत है। मतलब ये पूरी एक साइकिल है, जैसे जैसे नए बच्चे आ रहे हैं वैसे वैसे उनको एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है।
तो उन नए बच्चों को एजुकेशन देने के लिए हमें डेमोग्राफी की स्टडी करना ज़रूरी है। हमें देखना होगा कि दुनिया में कितनी बर्ड्स हो रही हैं, उनका क्या रेशो है, उसके हिसाब से फिर हमें प्लान करना होगा कि फर्दर आगे हम उनके लिए एजुकेशन का कैसे जो है वो हिसाब रख सकते हैं, कैसे हम उनको एजुकेशन मुहैया कर सकते हैं। तो पहले हमें देखना होगा कि कितने बच्चे हैं, फिर हमें देखना होगा कि उनकी एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही ये जो सेम केस है ये ऐसे ही अप्लाइड होता है अनएजुकेटेड अडल्ट्स में, यानी कि हमने डेमोग्राफी जो करनी है, जो हमें काउंटिंग करनी है लोगों की, उनकी एज स्ट्रक्चर की, हमें ये भी देखना है कि कितने ऐसे बड़े अडल्ट्स लोग हैं जो कि अनएजुकेटेड है, जो कि तालीम याफ्ता नहीं है। हमें आगे फ्यूचर को एस्टिमेट करने के लिए डेमोग्राफी को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्यूचर में हमें कितनी एजुकेशन की, कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत होने वाली है, कितने बच्चे ग्रो कर रहे हैं, कितने ऐसे अडल्ट्स हैं जिनको एजुकेशन की, मुख्तलिफ टाइप की एजुकेशन की ज़रूरत है, हमें ये सब कुछ पढ़ने के लिए, इन सब चीज़ों को प्लान करने के लिए, एजुकेशन को हर हवाले से, हर एस्पेक्ट से प्लान करने के लिए डेमोग्राफी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज़ प्लानिंग फॉर हाउस। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे डिमांड हाउसेस की इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे लोगों की आबादी बढ़ रही है, दुनिया में लोगों की आबादी में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे हमें उनके रहने के लिए जगहों की भी ज़रूरत है, घरों की भी ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है देखना डेटा, किस चीज़ का डेटा, मोर्टैलिटी का, जितनी अमवात हो रही है उनका डेटा, और फर्टिलिटी का, जितनी पैदाइश हो रही है बच्चों की उसका डेटा, माइग्रेशन का कि कितने लोग माइग्रेट कर कर आ रहे हैं या फिर माइग्रेट करके जा रहे हैं, फैमिली फॉर्मेशन का ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ हाउसिंग रिक्वायर्ड कि हमें कितने घरों की ज़रूरत है, इस हिसाब से कितने लोग मर रहे हैं तो वो उधर से पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ ही कितने लोग पैदाइश हो रही है, कितने बच्चों की उधर से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अगर लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अगर लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं किसी दूसरे मुल्क में तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। इन सारी चीज़ों का हिसाब स्टैटिस्टिकल नंबर की फॉर्म्स में डेटा हमें चाहिए, किस चीज़ के लिए, आगे फर्दर हाउसेस प्लान करने के लिए उन लोगों के लिए कि हमें आगे फर्दर कितने हाउसेस रिक्वायर्ड हैं। अब अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये एक स्टडी है पॉपुलेशन की कि हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि दुनिया में पॉपुलेशन की स्टडीज स्टार्ट कहाँ से हुई, पॉपुलेशन बढ़ना शुरू कहाँ से हुई। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, जो इस बारे में रिसर्च करते हैं, वो हमें ये कहते हैं कि जो ह्यूमन स्पीशीज, इंसान की स्पीशीज की जो शुरुआत है वो तकरीबन 2 मिलियन ईयर्स अगो हुई, यानी 2 मिलियन साल पहले, 200 लाख साल पहले जो है वो इंसान वजूद में आया और इस दुनिया में उसकी पॉपुलेशन स्टार्ट हुई। उसके बाद जो ये दूसरी चीज़ कहते हैं वो हमें ये पता लगता है कि अगर जब हम पुरानी पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जो दुनिया में जो पॉपुलेशन है वो बहुत टाइम तक स्टेबलाइज्ड रही, यानी कि बहुत टाइम तक एक ही जितनी रही, ना उसमें कमी आई ना उसमें ज़्यादती आई, ज़्यादातर वो एक ही जितनी रही। कितनी रही? तकरीबन 8 से 10 मिलियन के बीच में, ना 8 मिलियन से कम हुई ना 10 मिलियन से बढ़ी, एक ही जितनी रही, 8 से 10 मिलियन के बीच में पॉपुलेशन हमारी रही बहुत टाइम तक। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू हुई। अब ये जो पॉपुलेशन है ये इंक्रीज कहना कैसे होना शुरू, तो ये इंक्रीज कैसे होना शुरू हुई, जब लोगों को पता लगा क्रॉप्स ग्रो करने का, कि इंसान जो है वो सिर्फ हंटिंग या गैदरिंग पर ही जिंदा नहीं रह सकता बल्कि खुद से भी क्रॉप्स ग्रो कर सकता है, या फिर एनिमल्स जो जानवर होते हैं उनको पाल सकता है, उनके दूध से फ़ायदा उठा सकता है, उनके मीट से फ़ायदा उठा सकता है,
उनकी स्किन से फायदा उठा सकता है। जब इंसान को ये बात पता लगी, जब उसने ये नए मेथड्स क्रॉप्स के, एग्रीकल्चर के और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के पता किए, जब उसको अंदाजा हुआ, तब पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुई। और जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुई, वो है मेडिकल की दुनिया में डेवलपमेंट होना, डेथ रेट कम होना, लोगों की अमवात कम होना शुरू हो गई। इस मैप में हमें देखा जा सकता है कि अभी 1990s में पॉपुलेशन कम है, 2000 में आहिस्ता आहिस्ता ये एरियाज पूरे ज़्यादा डार्क होना शुरू हो गए, 47-52 में कम है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारे एरियाज ज़्यादा डार्क, ज़्यादा शाइनी होना शुरू हो गए, मतलब कि इन सारे एरियाज की पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू हो गई। ये वाला पूरा एरिया अभी 2020 तक पूरा येलो हो गया। अभी देखिए यहाँ पे कितनी कम पॉपुलेशन है शुरू में 1900s में। अब ये टेबल क्या बता रहा है, ये टेबल बता रहा है कि दुनिया की पॉपुलेशन पहले कितनी थी। फर्स्ट बिलियन, यानी कि जो जितनी भी ह्यूमन हिस्ट्री है जिसका हमें इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, जिसके बारे में हमें इतना ज़्यादा पता नहीं, उसमें दुनिया का हुआ फर्स्ट बिलियन, यानी पहला बिलियन दुनिया का ऑल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। फिर सेकेंड बिलियन कब हुआ, सेकेंड बिलियन हुआ 123 इयर्स में, यानी एक और बिलियन बढ़ने में पूरे 123 साल लगे। 1927 तक दुनिया में 2 बिलियन पॉपुलेशन हो गई थी, और दूसरा बिलियन होने में, यानी पूरी 1 बिलियन पॉपुलेशन ग्रो करने में कितना टाइम लगा, 123 इयर्स लगे। उसके बाद थर्ड बिलियन, तीसरा बिलियन हुआ 33 इयर्स में, 1960 तक तीसरा बिलियन हो गया। उसके बाद फोर्थ बिलियन, यानी चौथा बिलियन, 4 बिलियन पॉपुलेशन हुई दुनिया की 14 साल में, यानी तीसरा बिलियन हुआ 33 इयर्स में और चौथा बिलियन हुआ 14 इयर्स में। आहिस्ता आहिस्ता साल कम हो रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ रही है। 1974 तक 4 बिलियन पॉपुलेशन थी। उसके बाद फिफ्थ बिलियन हुआ 13 इयर्स में, 1987 तक फिफ्थ बिलियन यानी 5 बिलियन पॉपुलेशन थी। के बाद 6th बिलियन हुआ 12 इयर्स में, यानी 12 साल में छठा बिलियन, एक और बिलियन बढ़ गया 12 साल में, 1999 तक 6 बिलियन पॉपुलेशन थी। उसके बाद 7वां बिलियन हुआ 13 साल में, ये बढ़ गया, यानी अरसा बढ़ गया, किसी ना किसी वजहों की वजह से ये अरसा बढ़ गया, और 2012 तक 7 बिलियन पॉपुलेशन थी। अब 8वां बिलियन ये कह रहे हैं कि पूरे 8 बिलियन, जैसे 7.8 7.9 है, तो पूरा 8 बिलियन होंगे अगले 12 साल में, यानी मतलब 2012 से लेकर नेक्स्ट 12 इयर्स में, तो 2024 तक ये कह रहे हैं कि दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन हो जाएगी, यानी 8 बिलियन हो जाएगी। अब इससे आगे इन्होंने प्रिडिक्ट की हुई है कि 9 बिलियन, यानी एक और बिलियन कितने साल में बढ़ेगा, आगे 14 साल में, 2038 तक दुनिया की पॉपुलेशन 14 इयर्स में 9 बिलियन हो जाएगी। अब जो है वो साइंटिस्ट कहते हैं कि दुनिया की जो पॉपुलेशन का जो इंक्रीज होने का रेट है वो गिर रहा है, यानी अब कम रेट पर इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, इसीलिए इन्होंने बोला है कि अब आगे ज़्यादा सालों में कम पॉपुलेशन बढ़ेगी, यानी अगला 1 बिलियन 14 साल में बढ़ेगा और उससे अगला 1 बिलियन 18 साल में। और जो ये कह रहे हैं कि जब 11th बिलियन होगी पॉपुलेशन, तो दैट विल टेक 32 ईयर्स, यानी यहाँ तक पॉपुलेशन मुस्तकिल बढ़ रही है और ईयर्स कम हो रहे हैं, और अब इसके आगे से पॉपुलेशन कम रेट पे बढ़ेगी और ईयर्स बढ़ते जाएंगे। अब हैं ये 3 मेजर सबसे इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशंस जिन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा किया है पॉपुलेशन की ग्रोथ में। 3 मेजर रेवोल्यूशंस हैं जो हिस्ट्री में गुजरी हैं, इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा किया है पॉपुलेशन के इंक्रीज होने में, पॉपुलेशन की ग्रोथ में। कौन सी हैं ये तीनों पॉपुलेशन की इंक्रीज होने में जो वजह है, वो कौन सी 3 रेवोल्यूशन है, वो है सबसे पहली एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो कि स्टार्ट हुई 8000 BC में।
इस रेवोल्यूशन में क्या हुआ? इस रेवोल्यूशन में लोगों को नए एग्रीकल्चर करने के तरीके, एग्रीकल्चर करने के लिए नए मेथड्स पता लगे इस रेवोल्यूशन में लोगों को। उसके बाद है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आई 1750 एडी में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, इंडस्ट्रीज लोगों ने लगाना, ग्रो करना शुरू की, रॉ मटेरियल से फ़ायदा उठाना शुरू किया, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में अपनी सहूलत के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कन्वर्ट करना शुरू किया, इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले नए नए मेथड्स निकाले। बट इट स्टार्टेड फ्रॉम 750 एडी, जब इनको पहली दफ़ा पता लगा, इंसानों को पहली दफ़ा पता लगा कि इंडस्ट्रीज भी लगाई जा सकती हैं, आप जो प्रोडक्ट, जो भी रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है उसको अपने जी चाह, अपनी मर्जी के मटेरियल में, अपनी मर्जी के प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी रेवोल्यूशन है दैट इज मेडिकल रेवोल्यूशन। मेडिकल रेवोल्यूशन इट स्टार्टेड इन 1950 AD। इस रेवोल्यूशन में क्या हुआ? इस रेवोल्यूशन में लोगों को अंदाज़ा हुआ कि आप जब भी इंसान बीमार हो जाता है तो उस बीमारी से रिकवर कर सकता है। नई नई मेडिसिन ईजाद होना शुरू हुई, नए नए मेडिकल के ठीक होने के, लोगों को ठीक करने के लिए, सेहत के मसाइल कम करने के लिए नए नए तरीके ईजाद होना शुरू हुए। जो भी हमारा मेडिकल सेक्टर है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, उसमें तरक्की आई, उसमें डेवलपमेंट होना शुरू हुई, मेडिसिन, नए तरीके की मेडिसिन ईजाद होना शुरू हुई, जिसकी वजह से डेथ रेट हमारा कम हुआ। जब पॉपुलेशन में डेथ रेट कम हुआ तो पॉपुलेशन और इंक्रीज होना शुरू हो गई। कैसे? कि एक तो पहले ही ग्रोथ हो रही है, ग्रो हो रही है, फर्टिलिटी हो रही है, नए बच्चों की पैदाइश हो रही है, ऊपर से फिर जो पुराने ओल्ड, खसूसन जो ओल्ड एज स्ट्रक्चर के लोग मौजूद हैं उनकी भी डेथ रेट में कमी आ गई है, नई नई मेडिसिन और नए नए तरीके मेडिकल की दुनिया में मुतारफ होने की वजह से। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशंस हैं जिन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है पॉपुलेशन ग्रोथ में। अच्छा, अब जो हमारे पास नेक्स्ट थिंग है विच इज हाउ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोज बाय 1 बिलियन अबाउट एवरी 12 ईयर्स। अब ये कह रहे हैं कि हर साल पॉपुलेशन 12 साल में 1 बिलियन पॉपुलेशन कैसे बढ़ जाती है। द 20th सेंचुरी बिगेन विद 1.6 बिलियन। जो 20वीं सेंचुरी यानी 2000 जब शुरू हुआ तो पॉपुलेशन, मतलब जब 1900s की पॉपुलेशन शुरू हुई तब पॉपुलेशन कितनी थी? 1.6 बिलियन। और उस सेंचुरी के लास्ट तक पॉपुलेशन कितनी पहुंच गई? 6.1 बिलियन। यानी 1999 में एज वी सॉ अर्लियर पॉपुलेशन कितनी थी? 6 बिलियन। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है दुनिया की वो किस रेट के हिसाब से बढ़ी है? 1.5% पर ईयर, यानी हर साल पॉपुलेशन जितनी है उससे 1.5% बढ़ जाती है। ठीक है, तो अभी ये क्या कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है हमारी एनुअल इज करंटली डिक्लाइनिंग, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता, ये जो रेट है ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। And is projected to continue to decline in the coming year. जैसा कि हमने पहले टेबल में देखा कि आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन इंक्रीज होना कम हो रही है। ठीक है, यानी कि पहले इन्होंने हमें बोला कि 12 साल में 1 बिलियन बढ़ा है, अब हमने आगे देखा कि फर्दर 33 ईयर्स में 1 बिलियन बढ़ा है। तो साइंटिस्ट प्रिडिक्टेड दिस कि जो पॉपुलेशन है हमारी, अब वो उसका जो ग्रोथ रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होगा। जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ी है उसकी वजूहात ढूंढने में साइंटिस्ट परेशान है कि उसकी पॉपुलेशन, जो हमारी ह्यूमन जो पॉपुलेशन बढ़ रही है 20th सेंचुरी तक जिस तरीके से पॉपुलेशन हमारी रेज की है, क्या उससे हम ये कह सकते हैं कि हमारी दुनिया में ओवर पॉपुलेशन हो गई है, यानी पॉपुलेशन की ज्यादती हो गई है। साइंटिस्ट आर कंसर्न दैट द करेंट पॉपुलेशन एक्सपेंशन एंड अकॉम्पनिंग इंक्रीज इन यूजेज ऑफ रिसोर्सेज आर लिंक्ड टू थ्रेट्स टू द इकोसिस्टम। यानी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जितनी भी रिसोर्सेज, जितने भी ज़राए हमारे पास मौजूद हैं उनका यूजेज भी
बढ़ता जा रहा है, विच इज़ द थ्रेट टू द इकोसिस्टम, जो हमारे आसपास मौजूद सिस्टम है, एक एनवायरमेंट है कुदरती, उसको नुकसान पहुंचा रहे। तो आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन का बढ़ना लिंक करता है रिसोर्सेज के कम होने से और इकोसिस्टम की थ्रेट से। ये जो नीचे पिक्चर है, ग्राफ है, इसमें देखा जा सकता है कि इन्होंने आगे पॉपुलेशन प्रिडिक्ट की है 2080 तक ऑलमोस्ट, कि आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन कितनी ही ज्यादा बढ़ गई है। इन्होंने बोला है कि इन्होंने स्टार्ट किया 1955 से 2 बिलियन से, अभी एशिया की पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, अफ्रीका की पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ी, और ऑलमोस्ट 2090 तक इन्होंने बोला है कि 11 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी हमारी दुनिया की, डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट होने के बावजूद, जबकि साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि अब ग्रोथ रेट आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, कम की तरफ, फिर भी हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी। तो आया ये पॉपुलेशन का बढ़ना मुस्तकिल हमारी रिसोर्सेज को नुकसान दे रहा है और इकोसिस्टम के लिए थ्रेट है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट है, क्योंकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी हमें उसके रिसोर्सेज की भी ज़रूरत हो रही है, और रिसोर्सेज आहिस्ता 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 ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रही है, ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो वो डिक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और रिसोर्सेज डिक्रीज हो रही है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? बेसिकली पॉपुलेशन डेंसिटी होती है यानी कि कितने स्क्वायर माइल्स के या स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर कितने लोग रह रहे हैं, यानी एक मखसूस एरिया पर कितने लोग रह रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल एरिया पॉपुलेशन, यानी उस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, डिवाइडेड बाय लैंड एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, यानी उस वो एरिया कितना है स्क्वायर किलोमीटर में। इन्होंने मिसाल दी हुई है कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की पॉपुलेशन 2 to 1 मिलियन है, अगर हम इसको डिवाइड करें, पाकिस्तान का जो लैंड एरिया है 796096 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान का लैंड एरिया, और यहाँ पे पॉपुलेशन है 2 to 1 मिलियन, तो आंसर आएगा 277 मिलियन, यानी कि यहाँ पे हर एक स्क्वायर किलोमीटर पर 277 लोग रह रहे हैं, 277 लोग रह रहे हैं हर एक स्क्वायर किलोमीटर पर। अगर हम बात करें कि दुनिया में किस हिसाब से वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो स्प्रेड हुई भी है, सबसे पहला जो रीजन हमारे पास आता है वो होता है नियरली इनहेबिटेड, यानी ऐसे एरियाज जहाँ पर पॉपुलेशन तकरीबन ना होने के बराबर है, वहाँ लोग नहीं रहते, तकरीबन बहुत या फिर बहुत माइनर सी तादाद में रहते हैं। इसकी क्या वजह है? ये वजह है कि ये एरिया जो है वो रहने के लिए मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? या तो बहुत ज़्यादा ड्राई है, या बहुत ज़्यादा कोल्ड है, या वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ का जो सरफेस है लैंड सरफेस, वो बहुत ज़्यादा रगेड है, बहुत ज़्यादा आबड़ खाबड़ एरिया है। दुनिया की तो तकरीबन 40% एरिया है दुनिया का, जैसे कि हम देख सकते हैं ये वाला एरिया हो गया, अभी सहारा डेजर्ट जैसे कि ड्राई है हॉट है, ये वाला एरिया हो गया, या ये ऊपर बिल्कुल पोलर रीजन के पास वाला एरिया हो गया, ये वो सारे एरियाज हैं, या तो ये कोल्ड है या ड्राई या हॉट है, इस वजह से यहाँ पे लोग नहीं रह रहे। तो अब ये है कि दुनिया में जो 40% लैंड एरिया है वो नियरली इनहेबिटेड ही है, यहाँ पर यानी कि वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, ना होने के बराबर रहते हैं। मिसाल इन्होंने आगे दी हुई है सहारा डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, थर्ड डेजर्ट इवन पाकिस्तान में, वो भी तकरीबन नियरली इनहेबिटेड है, यहाँ पे तकरीबन ना होने के बराबर लोग रहते हैं। अब दूसरी चीज जो है, पहले था नियरली इनहेबिटेड, अब दूसरा है थिनली इनहेबिटेड, यानी कि यहाँ पे लोग रहते हैं लेकिन कम तादाद में यहाँ लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि वही बदलाव आते हैं कि यहाँ का या तो क्लाइमेट, यहाँ का मौसम रहने के हिसाब से सूटेबल नहीं है या फिर मुश्किल है, ये जो है वो इंसान की ज़िंदगी को, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता, या फिर यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो कम हैं, यानी जितने बहुत ज़्यादा लोग अगर यहाँ पे रहेंगे तो वो रिसोर्सेज उनके लिए कम पड़ जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पे कम लोग हैं, या फिर तीसरी वजह ये है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो लो है, बहुत ज़्यादा हाईली टेक्नोलॉजी वाले, डेवलप्ड टेक्नोलॉजी वाले एरियाज नहीं है ये। उसके बाद चौथा है मॉडरेटली पॉपुलेटेड, पहला था नियरली इनहेबिटेड, दूसरा थिनली पॉपुलेटेड, और अब तीसरा है मॉडरेटली पॉपुलेटेड। मॉडरेटली पॉपुलेटेड कौन से एरियाज हैं? एरियाज ऑफ रिच रिसोर्सेज एंड हाई टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो एरियाज जिनके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा है, या फिर एरियाज ऑफ रिच रिसोर्सेज एंड लो टेक्नोलॉजी, या फिर ऐसे एरियाज जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं है। ये दोनों टाइप के एरियाज में मॉडरेटली पॉपुलेटेड है, यानी कि यहाँ पे ना ज़्यादा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना पॉपुलेशन बहुत कम है,
ये जो हमें मैप दिख रहा है इसमें यहाँ पे एक स्केल दिख रहा है, ये डार्क एरियाज यानी कि ये बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, जो बिल्कुल लाइट येलोइश ग्रीनिश एरियाज है यानी कि कम पॉपुलेटेड है, और जो बीच के एरियाज हैं जिसमें ये दो कलर्स हैं यानी कि ये मॉडरेटली पॉपुलेटेड है, ना ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे ये वाला एरिया, ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। अब उसके बाद आ जाता है डेंसली पॉपुलेटेड, यानी वो एरियाज जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या हो सकती है, इसकी वजह हो सकती है कि जो ये एरिया यहाँ पर मोस्टली फ्लैट लैंड है, रगेड टोपोग्राफी या माउंटेनियस रीजन नहीं है जहाँ पर आपको पहले लैंड को फ्लैट करना पड़े वहाँ पे घर बनाने के लिए या एग्रीकल्चर करने के लिए, पहले से ही यहाँ पर फ्लैट लैंड अवेलेबल है, ठीक है। कमर्शियल और प्राइमरी एक्टिविटी सेकेंडरी लेवल की एक्टिविटीज यहाँ पर इजीली परफॉर्म की जा सकती है। दूसरी चीज़, रिच इन रिसोर्सेज होगा वो एरिया, या टेक्नोलॉजी में हाई होगा बहुत ज़्यादा, एग्रीकल्चर न्यू मेथड से नए तरीके से हो सकती होगी, वहाँ का गुड होगा, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड होगा, लिविंग स्टैंडर्ड, या फिर दूसरे एक और टाइप के एरिया है, कौन से, जहाँ रिसोर्सेज कम होगी, टेक्नोलॉजी भी कम होगी, इकोनॉमी भी प्योर होगी और मॉडरेट लाइफस्टाइल होगा, यानी कि डेंसली पॉपुलेटेड इन दोनों तरीकों के एरियाज हो सकते हैं। एक तो ये कि वहाँ पे सब चीज़ें अच्छी हों, वहाँ रिसोर्सेज भी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी भी हाई है, नए एग्रीकल्चर के तरीके भी हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा है, या फिर दूसरा के ना वहाँ रिसोर्सेज अच्छी है ज़्यादा है, ना टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, ना इकोनॉमी है, ना ही मॉडरेट लाइफस्टाइल है, मतलब ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल भी नहीं है। इन दोनों तरीकों के एरियाज में डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज दोनों तरीके के हो सकते हैं, यहाँ पे आप इन दोनों तरीकों के एरियाज में ज़्यादा पॉपुलेशन रह सकती है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन। पहला रीज़न तो यही है कि आपकी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी वगैरह हर चीज़ अच्छी है। दूसरा रीज़न ये है कि वो हिस्टोरिकली आबाद होगा, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह, कि वहाँ पे हमेशा से ही आबादी है और फिर वही एरियाज आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा आबाद होते जा। उसके बाद लास्ट कैटेगरी हमारे पास है वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, यानी कि बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज। ये वाले कौन से एरियाज हैं, ये वो एरियाज हैं जहाँ पर ओल्ड सिविलाइजेशन हैं, बहुत लंबी इनकी हिस्ट्री है, मिसाल के तौर पर साउथ ईस्ट एशिया का, यूरोप का, नॉर्थ एंड ईस्टर्न अमेरिका एरिया हो गया। इन एरियाज में सारी एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। दो तरीके के इन्होंने एडवांटेजेस इसमें बताए हैं, पहला एग्रीकल्चर एरिया होगा, यानी कि यहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा होगा, जो भी चीज़ एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी होती है, यहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा होगा, सॉइल भी अच्छी होगी, वाटर भी यहाँ पे अवेलेबल होगा, यानी एग्रीकल्चर एरिया होगा, एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल होगा। दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया होगा, यानी कि यहाँ पर रॉ मटेरियल भी सप्लाई इजीली हो सकता होगा, पावर भी अवेलेबल होगी, लेबर भी अवेलेबल होगी, यहाँ की बहुत टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा एडवांस होगी। तो ये दोनों तरीके के एरियाज हो सकते हैं वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मौजूद हो। सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर, अब हम इसमें आगे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।